देखिए रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि पिक्सल का 6 को आपको लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। फाइनल वीडियो मैंने वो बनाया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था कि पिक्सल का 6 में फलाना ढिमकाना नहीं, 10 तरह का चीजें यहाँ पे लोग आपको बुराई बता दे रहे और यहाँ पे जो अच्छे अच्छे फीचर्स है ना वो तो आपको कोई बता नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बना के आपको बताया कि भाई ये फोन आपके लिए क्यों सुटेबल है और क्यों नहीं है। और उस वीडियो में बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स भी था और उस वीडियो में आपको कहा भी था कि अगर 500 लाइक पूरा कर देते हैं ना तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैमरा फीचर्स में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है। भाई सच कहें हमको तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप लोग एक दिन में जो है उस टारगेट को अचीव कर दोगे। गाइस मेरे लिए लाइक्स और कमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि वहां पे जो कमेंट करते हैं ना वो आप लोग करते हैं और आप लोग का हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं, इसलिए मुझे कमेंट पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है और लाइक जब देखता हूं ना तो दिल में मोटिवेशन का लहर दौड़ बैठता है। तो जब आप लोगों ने लाइक करके अपना काम कर दिया तो मैं अपना काम कैसे नहीं करूंगा। तो ये रहा ये वीडियो, इसमें आपको सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसी के बारे में डिस्कस होगा, कोई आंडू पांडू फीचर्स के बारे में नहीं बताने वाला हूं झूठ मूठ का वीडियो को लंबा करने के लिए। अब देखिए क्या क्या फीचर्स आपको पिक्सल का 6 मिल जाता है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं जो कि आपको पहले ही जो है इनेबल करके रख लेना चाहिए। अब देखिए जैसे ही आप एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शो डर्टी लेंस वार्निंग करके। अब देखिए अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो सीधी सी बात है कि कभी अगर आपका मोबाइल फोन के पीछे जो है धूल वगैरह जम जाएगा ना तो ये पहले से वार्निंग दे देगा कि भैया आपका जो स्क्रीन पे धूल जमा हुआ है कैमरा को थोड़ा सा साफ कर लीजिए ताकि आपका फोटो बुरा ना आए। तो ये एक अच्छा फीचर है, इसे इनेबल जरूर से कर लीजिएगा। उसी के नीचे अगर आप जाते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्टोर वीडियो इफिशियंट करके, इसे आप काइंडली सेट कर लीजिएगा H265 के ऊपर। अब देखिए इससे होगा ये जितना भी वीडियोस अगर आप शूट करते हैं ना तो वहां पे जो वीडियोस की क्वालिटी निकल के आती है वो भी अच्छा आएगा और साथ ही साथ जो साइज होता है ना वो भी कम आएगा, तो इसे जरूर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा और नीचे आएगा तो वीडियो स्टेबिलेशन का भी ऑप्शन देगा, इसे भी इनेबल कर लीजिएगा, यानी कि शेकी फुटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि मोबाइल ज्यादा थरथराएगा नहीं, इसे आप इनेबल कर लीजिएगा ना तो स्टेबिलेशन आपको अच्छा मिलेगा, काहे कि कभी-कभी बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। अब फ्रेमिंग हिंट्स को भी आप ऑन कर लीजिएगा। अब इससे होगा ये कि जब भी आप फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो किस टाइप का फोकस आपको वहां पे यूज करना चाहिए वो आपको जो है वहां पे बता देगा, साथ ही साथ किस टाइप का लेवल्स वगैरह वहां पे आ रहा है, किस टाइप का आपको फोटोज क्लिक करना है, कितना एंगल में रखना है, वो सारी चीजें जो है फ्रेमिंग हिंट्स में आपको बता देगा, तो इसे भी आप जरूर से ऑन कीजिएगा। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में दोनों में बहुत ज्यादा हेल्प आता है। और कैमरा रेजोल्यूशन के अंदर जाके जो है वहां पे फुल रेजोल्यूशन कर देना है कि हायर क्वालिटीज की वीडियोस आपको हमेशा चाहिए जब भी आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हो। तो ये कुछ एडवांस सेटिंग्स था जो कि मैंने आपको यहां पे बता दिया। आप लोग इसे अलग अलग नाम से बताते हैं जैसे कि हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया, टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया, फलाना ढिमकाना, 10 तरह का चीजें बताते हैं, लेकिन हमारे नजर में ये एडवांस सेटिंग था जो कि आपको इनेबल कर लेना। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। पहला जो फीचर है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर भी है। जैसे ही आप कैमरा ओपन करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिखेगा नाइट स्लाइड करके, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एस्ट्रो फोटोग्राफी करके। अब एस्ट्रो फोटोग्राफी क्या होता है देखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि अगर आपको सितारा का फोटो अच्छे क्वालिटीज में चाहिए तो ये फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जब आसमान में तारा वारा होगा तो ये फीचर को आप यूज करके बहुत ही अच्छे फोटोज जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एस्ट्रोग्राफी एक नॉर्मल फीचर है मेरे पास, इसके लिए बहुत महंगे महंगे लेंस भी आते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटीज की जो फोटोज भी निकाला जाता है। कुछ एग्जांपल हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे देते हैं, आप देख लीजिए कि इस टाइप के फोटोज जो है आप निकाल सकते हो, लेकिन हाँ आसमान में तारा होगा तो आप फोटोज वगैरह जो अच्छे निकाल पाओगे। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, इसे यूज करने के लिए ट्राइपॉड लगता है, तो यहाँ पे ट्राइपॉड में फोन लगा दीजिए और सिंपली फोटोज वगैरह खींच सकते हो। लेकिन हम भी बहुत बार ट्राई किए, लेकिन आज के टाइम में तो आसमान देखिएगा इतना ज्यादा ब्लैंक होता है ना कि तारा मिल ही नहीं रहा, लेकिन जब मिलेगा ना तो वो पोस्ट जरूर डालेंगे कि एस्ट्रोग्राफी इस टाइप से आप पिक्सल का 6 से कर सकते हो। देखिए ये फीचर उन लोगों के लिए है जो लोग ओप्पो और वीवो से जो है पिक्सल का 6A में जो है शिफ्ट किए हैं। अब देखिए इसमें होता यह है कि जब ये पिक्सल वगैरह से सेल्फी वगैरह खास करके लेते हो तो आपका जो फेस है ना वो थोड़ा सा डल आता है कभी 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 कभी, जो इतना ज्यादा जो है शार्पन कर देता है फोटोज वगैरह को, जो कि आपको देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। आपको तो थोड़ा सा आदत लगा हुआ ना कि थोड़ा सा ब्यूटीफाई वाला फेस हो जाए, इसलिए यहाँ पे फेस रिटचिंग का भी ऑप्शन दिया गया, आप इसे इनेबल कर लेते हैं तो थोड़ा सा स्किन को आपको जो है अच्छे से स्मूथ कर देगा, बेसिकली थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा और कहीं ना कहीं आपका सेल्फी और भी बेटर आएगा। अब हाँ इतना ज्यादा भी स्मूथ नहीं करेगा कि आपका फेस पूरा बिगाड़ दे, मतलब पूरा का पूरा पाउडर चपोत दे आपके मुंह में, ऐसा नहीं होगा। टैप शॉट देखिए ये फीचर में बेसिकली ये होता है कि एक बार आप क्लिक करते रहिएगा ना तो मल्टीपल फोटोज जो है वहां पे क्लिक करके देगा, उसमें से जो भी फोटोज आपको पसंद है वो आप रख लीजिए, बाकी को रेस्ट को डिलीट करके भगा दीजिए। देखिए कैमरा के अंदर आपको जेस्चर का एक ऑप्शन मिल जाता है, वहां पे क्लिक करने के बाद जो है आप मॉडिफाई कर सकते हो, बेसिकली आपका जो वॉल्यूम की है ना उसे आप क्लिक भी कर सकते हो फोटोज वगैरह, या फिर जूम भी कर सकते हो, या फिर वॉल्यूम को अप एंड डाउन वो तो कर ही सकते हो। फ्रीक्वेंट फेसेस बेसिकली इस फीचर में ये होता है कि जब भी आप सेल्फी वगैरह लेते हो ग्रुप वगैरह में तो कभी कभी क्या होता है ना किसी एक बंदे का जो है फेस थोड़ा सा ब्लर आ जाता है, तो अगर आप इसे इनेबल कर लेते हैं ना तो अपने हिसाब से जो है आपका थोबड़ा को पहचानने की कोशिश करेगा और एक अच्छा सेल्फी जो है आपको यहाँ पे देने की कोशिश भी करेगा, तो इसे इनेबल जरूर से कर लीजिएगा। अब अगर आप राइट हैंड साइड में क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको फोटो स्पेयर करके एक ऑप्शन दिखेगा, मेरे हिसाब से ये फीचर अब तक का सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा है। हो सकता है कि आपने कई मोबाइल में से यूज भी किया होगा, इसे फोटोज वगैरह क्लिक भी किया होगा। बेसिकली इसमें होता यह है कि कंप्लीट 360 का फोटो आपको निकाल के देता है, ऊपर क्या दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, दाएं क्या दिख रहा है, बाएं क्या दिख रहा है, हर
तरफ का हर एंगल का आपको अच्छा फोटो जो है यहाँ पे निकाल के देता है। लेकिन इसमें नया बात क्या है मेरे भाई जो आप इतनी तारीफ कर रहे हो? भाई जब आप फोटो को जूम करोगे ना तो जो फोटो का जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल के आता है। मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन में से यूज भी किया था लेकिन जो फोटो क्वालिटी इसमें निकल के आता है ना 360 वाला वो बहुत ही अपरंपार आता है। मैंने थर्ड पार्टी जीकैम भी यूज किया था अदर मोबाइल्स में लेकिन उतना अच्छा फोटो स्पेयर नहीं आता। जो क्वालिटी आपको इसमें मिल जाएगा ना वो आपको थर्ड पार्टी जीकैम में नहीं मिलने वाला है। अब एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप 360 वाला फोटोज क्लिक करते हो और अपने दोस्तों को भेजते हो कि देख मेरे भाई सारा दुनिया इसमें दिख रहा है तो उसको नहीं दिखने वाला है कि ये फोटो जो है नॉर्मल फाइल मैनेजर या फिर नॉर्मल गैलरी में जो है सपोर्ट नहीं करता अदर एंड्रॉइड्स में। उसके लिए उसको गूगल का जो फोटोज वाला एप्लीकेशन होता है उसमें जाके अगर उसे ओपन करेगा तो वहां पे इजीली वो देख सकेगा। तो अगर आपको अपने दोस्त का दुनिया दिखाना तो उसको बोलिएगा गूगल फोटोज में ही इसे ओपन करने के लिए। और गाइस अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा कष्ट करके लाइक कीजिएगा ना। अब गूगल का फोन और गूगल का लेंस ना हो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। गूगल के लेंस का फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाता। राइट हैंड साइड में अगर क्लिक करते हो तो वहां पर आपको लेंस का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपको मल्टीपल जो है फीचर्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप होमवर्क वाला काम कर सकते हो, टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हो और उसी स्कैन किए हुए टेक्स्ट को आप कॉपी करके किसी को भेज भी सकते हो और आप कोई भी लैंग्वेज को जो है यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर सकते हो। और अगर आपको स्कैन करके कोई प्रोडक्ट को परचेस करना है तो शॉपिंग वाले पे क्लिक करके स्कैन करके आप उस प्रोडक्ट का भी सारा डिटेल्स यहाँ पे निकाल सकते हो, प्लेसेस का भी कर सकते हो, डाइनिंग का भी कर सकते हो। लेंस के अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए गए, सारे फीचर्स बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा ना, आपको खुद समझ में आ गई चीज। अब गाइस बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में कि वीडियो में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला फीचर है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया वो है इसका स्पीच एनहेंसमेंट वाला फीचर। मेरे भाई अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो, रियर कैमरा से करो या फ्रंट कैमरा से करो और नॉइज बहुत ज्यादा है आपके आसपास तो अगर आप इसे इनेबल कर लेते हो ना मेरा भाई पूरा का पूरा नॉइज जो है आपका कट डाउन कर देगा, मैक्सिमम ऑडियो आपका यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेगा। एक एग्जांपल वीडियो में आपको दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे जो है इसको कट डाउन किया हुआ है। इससे मैं आपको स्पीच एनहांसमेंट का एक फीचर मिल जाता है। अभी हम मॉल में आए हुए हैं, इसे इनेबल कर दिया होगा तो खास करके अब आपको फर्क काफी ज्यादा बुझा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कितना हद तक नॉइस को जो है कंट्रोल। तो ऐसा कैमरा पूछ रहे हैं जिसमें आपको ऑडियो भी अच्छा मिल जाए तो मुझे लगता है कि पिक्सल का 6 में आपका काम चल जाएगा। और क्वालिटी की जहां तक बात है तो आप देख सकते हो तो देखा गाइस ये फीचर कितना ज्यादा यूजफुल है लेकिन यहाँ पे लोग पिक्सल का 6 को लेके बहुत ज्यादा बुराई बता रहे, फलाना ढिमकाना 10 तरह का चीज आपको बता देंगे लेकिन क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या 30,000 के अंदर आपको मिल रही है वो आपको नहीं बताया जाता है। तो 10 लोगों का बात मत सुनिए, कुछ कमियां होती हैं हर एक स्मार्टफोन में होता है, उसे अगर आप मैनेज कर लीजिएगा ना तो बहुत ही अच्छा डील आपको मिल सकता है। बाकी एक चीज जरूर से ध्यान रखिएगा कि जो स्पीच एनहांसमेंट वाला फीचर है आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से कर सकते हो लेकिन फुल एचडी 30 FPS तक ही रिकॉर्डिंग कर पाओगे। पिक्सल का 6 में आप स्लो मोशन भी कर सकते हो और अच्छी क्वालिटीज का जो है यहाँ पे स्लो मोशन भी आपको देखने को मिल जाता है। और एक अच्छा फीचर ये भी दिया गया है, स्लो मोशन करते हुए आपका ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, कुछ सैंपल्स देख लीजिए। और हाँ, पिक्सल का 6 में आपको टाइम लैप्स वाला फीचर भी दिया गया, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है। बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन होता है जिसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त बहुत सारे फीचर्स को एक साथ यूज कर पाओ। पिक्सल का 6 में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए आप जो है लाइट और ब्राइटनेस को मेंटेन कर सकते हो, साथ ही साथ जो कलर का जो टेम्परेचर होता है ना उसे भी आप मेंटेन कर सकते हो। गाइस आप सोचिए एज अ कंटेंट क्रिएटर ये आपके लिए इतना ज्यादा यूजफुल होगा जहां पे आप अपने हिसाब से जो है ब्राइटनेस को एडजस्ट भी कर सकते हो और कलर टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकते हो व्हाइल वीडियो रिकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है, जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। और इतना ही नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त आप 1x और 2x में लगातार जूम भी कर सकते हो और अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट भी कर सकते हो बिना वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद किए हुए। लेकिन हाँ एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो पिक्सल का 6 है इसमें आपको बूके वीडियो मोड नहीं मिलता, यानी कि जो ब्लर बैकग्राउंड हो जाता है ना जैसे कि मैंने अभी कर रखा है वो आपका नहीं होने वाला है। पिक्सल का 7 मिल जाएगा लेकिन 6 में ये फीचर नहीं दिया गया। और हाँ ज्यादा बात है वीडियो क्वालिटी के बारे में बोले तो वीडियो रिजोल्यूशन के बारे में 4K 60 FPS तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो इसके रियर कैमरा के साथ। बट एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे हिसाब से आपको 1080p 60 FPS को ज्यादा यूज करना चाहिए, बाकी जो स्टैंडर्ड वीडियो क्वालिटी होता है ना वो 1080p 60 FPS ही होता है। सारी मूवीज वगैरह देखिए या फिर शॉर्ट फिल्म जो बनता है ना वो 1080p ही में ही बनता है, वो लोग क्यों नहीं 4K यूज करते? वो लोग चाहे तो कर सकते लेकिन यहाँ पे 1080p ही क्यों यूज करते? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1080p 60 FPS में ही कीजिएगा, क्योंकि अभी उतना ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन अलग अलग यूजर का अलग अलग रिक्वायरमेंट पे ये बेस है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको 4K यूज करना है कि नहीं करना। अब जैसे आप वीडियो पे क्लिक करते हैं वहां पे आपको राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको 4 टाइप का स्टेबलाइजेशन का वहां पे मोड देखने को मिल जाता है, जिसकी रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा कि किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं और कैसा काम करता है 4 टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन। सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और एज अ कंटेंट क्रिएटर देखते हैं तो यहाँ पे जो सिनेमेटिक वाला जो मोड दिया गया ना वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसे आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर
फीचर्स। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आप उस सारे फीचर को यूज करते तो वहां पे वीडियो क्वालिटी आपका गिरा देता है, नहीं मेरे भाई, वीडियो क्वालिटी भी बहुत अपरंपार करता है। बहुत सारे मोबाइल का जो फुटेज भी मैं निकालता हूँ, जो बी रोल्स निकालता हूँ, सिनेमेटिक फुटेज जो होता है वो मैं पिक्सल का 6 से ही लेता हूँ। जितना भी फीचर्स मैंने आपको यहाँ बताया ना, सारा का सारा बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप सभी को जाकर ट्राई करो। अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है, नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खोल के रखते हैं, कमेंट आके कीजिए, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं, रिप्लाई हम कर देंगे और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है, सपोर्ट जरूर कीजिए, क्या कि आप ही लोग के लिए तो बनाते हैं ना, है कि नहीं।